अच्छी वेल्थ बनाने के लिए डिसिप्लिन, कमिटमेंट और धैर्य साधने की आवश्यकता होती है। पैसे एक लुभावनी चीज है, लेकिन जिनके पास अपने जीवन में एक रूप से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वह लोग सेविंग्स करना और इन्वेस्ट करने के महत्व को समझते हैं। इसीलिए वो अपने एक्सपेंसेस को कम करते रहना और आमदनी ज्यादा पाते रहना सीखते हैं। समय के साथ मनोवैज्ञानिक रिसर्च दिखाती है कि मिलीनियर्स लोग, जिन्होंने कड़ी मेहनत और कटिबद्धता के माध्यम से अपना पैसा बनाया, वो दूसरे लोगों की तुलना में खुश है। उन्हें कुछ भी खोने का और लूटने का डर नहीं होता। अगर आप अमीर बनने जा रहे हैं, तो आपको अपनी बैंक बैलेंस इंक्रीज करने के साथ थोड़ा कंजूस होना भी सीखना होगा। ऐसी चीज़ों को लेने या मेंटेन करने में पैसा न बर्बाद करें जो बेकार हो या किसी की कोई ज़रूरत ना हो। आपकी अच्छे बजट वाली वेल्थ बनाने के लिए समय और धीरज चाहिए, और हमेशा वेल्थ को बराबर बनाए रखने के लिए नियमितता और डिसिप्लिन बेहद जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, यह इस तरह की सिस्टम है जिसे मेंटेन करने में बहुत से लोग असफल होते हैं। वेल्थ की योजना बनाना या उसके लिए बातें करना और सोचना काफी आसान है, लेकिन इसे वास्तविक रूप देना उतना आसान नहीं जितना सोचने में लगता है। अगर आप बजट बनाने, इन्वेस्ट करने और सेविंग्स करने की आदतों में नए हैं, तो सबसे बड़ी सलाह है कि आप छोटे से शुरू करें और फिर इंक्रीमेंट लाएं। अपनी सैलरी या इनकम के बजट से शुरुआत करें, फिर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे निर्धारित करके रखें, लेकिन इससे पहले आप अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों पर खर्च करना शुरू कर दें, फिर देखें कि कितना बचता है। यह पहली बार करने में आसान नहीं लगेगा, लेकिन लगातार कोशिशें करने से इम्प्रूवमेंट होता है। वेल्थ बनाने में आगे बढ़ने से पहले इन चार सवालों को अपने आप से पूछें। पहला है, क्या आपके घर का एक्सपेंस आपके एनुअल बजट जितना या उससे कम है? दूसरा है, क्या आप जानते हैं कि आपका परिवार हर साल खाने, कपड़ा और दूसरी सब जरूरतों के लिए कितना खर्च करते हैं? तीसरा है, क्या आपके पास डेली, वीकली, मंथली, एनुअल और जीवन भर के लिए गोल्स का स्पष्ट रूप से निर्धारित प्लानिंग है? और चौथा है, क्या आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत समय लगाते हैं? ये चार वेल्थ क्वेश्चंस का अपने आप से ईमानदारी से सही जवाब देने की कोशिश करें, फिर इनसे आप अपने आप ही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को अच्छे से आकार दे पाएंगे। इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, देन यू हैव टू बी अ मोर फ्रगल देन जनरल पीपल।